इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और एक बहुत ही अहम प्रोग्राम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम किस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं एक थर्ड वेरिएबल के ज़रिए। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एन ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। देखिएगा जी, आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर पहले वीडियोस में बताया कि ये एक वेरिएबल है डेटा वन। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं किसी नाम का भी, ठीक है, आप ए नाम का वेरिएबल ले लें, आप पाई नाम का वेरिएबल ले लें, वट एवर जिस नाम का भी आपने वेरिएबल लेना है आप ले लें। तो यहाँ पर मैंने डेटा वन नाम का वेरिएबल लिया है। अब इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाई है, ये इक्वल वाला सिंबल लिख के। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 51। अब ये इक्वल सिंबल ने क्या किया है कि इस 51 वैल्यू को इस वेरिएबल में डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो ये जो इक्वल है इसे हम इक्वल नहीं कहते सी लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये किसी वैल्यू को, जिस तरह यहाँ पर 51 एक वैल्यू है, इसको किसी वेरिएबल में, जिस तरह यहाँ पर डेटा वन एक वेरिएबल का नाम है, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से डाटा टू नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू इंसर्ट की गई है, दाखिल की गई है 87, किस ऑपरेटर के ज़रिए, इस ऑपरेटर के ज़रिए इक्वल वाले के, और इसको हम इक्वल नहीं कहते, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर हो गया जी। दोबारा वापस आते हैं डेफिनेशन की तरफ। आप देखिएगा, आपको अब अच्छे तरीके से समझ आई होप आएगी कि एन ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू, असाइन मतलब वैल्यू सेट करना, लगाना। एन ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसके ज़रिए आप किसी वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जिस तरह इस ऑपरेटर के ज़रिए ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन की गई है, तो इस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर हो गया जी। सी लैंग्वेज यूजेस द इक्वल साइन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में ये जो इक्वल वाला साइन होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर लेकर चलते हैं या इस्तेमाल करते हैं। आई होप के क्लियर होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पर अपरेंड होता है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, जबकि जो राइट साइड पर अपरेंड होता है वहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, जो दरअसल वेरिएबल में लेफ्ट अपरेंड में जो वैल्यू असाइन करनी होती है जो वेरिएबल के अंदर। क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं जी आगे सिंटैक्स की तरफ। यहाँ पर सिंटैक्स से मुराद होता है कि आपने ये असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखना कैसे सी लैंग्वेज में। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, वेरिएबल का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपने इक्वल साइन लिखना है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखनी है या कोई वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखी गई है, एक वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पर वेरिएबल नेम है, जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि वेरिएबल, असाइनमेंट और फिर एक्सप्रेशन। तो मैंने एक्सप्रेशन नहीं दी, क्या दी है, यहाँ पर वैल्यू दी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पर वेरिएबल का नाम है, कि ये एक्सप्रेशन की जो सिंगल वैल्यू आएगी ना वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए इसमें इंसर्ट करवा दी जाएगी या दाखिल करवा दी जाएगी। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर आप जो टिक लगा हुआ है, जो मार्क किया गया है, उसको तो लाजमी याद करें, आगे से मज़ीद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर वेरिएबल के बारे में बताया गया, एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया, एक्सप्रेशन के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं, जिस तरह ए नाम के वेरिएबल में 100 की वैल्यू को असाइन किया गया है इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। इसी तरह से यहाँ पर एक क्या दी गई है, एक्सप्रेशन दी गई है ए प्लस बी, और असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए इन दोनों को इसको जब हल करने से एक सिंगल वैल्यू आनी है, एक जवाब आना है, वो उसको सी वेरिएबल में वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया जाएगा इस असाइनमेंट ऑपरेटर से। इसी तरह से ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें सी माइनस बी प्लस 10 किया गया है, इस एक्सप्रेशन को जब एवेल्यूएट किया गया है तो एक सिंगल वैल्यू आनी है अल्टीमेटली, और उस वैल्यू को किस में, एक्स में इंसर्ट करवा दिया गया इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। यहाँ पर तीन एग्जांपल्स हैं, आप तीनों में से कोई एक एग्जांपल कर लें जो आपको आसान लगे, आप ये कर लें या ये वाली कर लें, तो अपने पास से भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इंट वाई इज इक्वल 5 प्लस 10, आप इस तरह से भी एग्जांपल दे सकते हैं, या एंड पर सेमीकॉलन लिख दें। वैसे इंट नहीं इन्होंने लिखा, तो आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है,
आपने एक सिंपल सी एग्जांपल ही देनी है। अगर इंट लिख देंगे डाटा टाइप साथ में तो कोई इतना इशू नहीं होगा। आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के हवाले से क्लियर होगा। अब एक प्रोग्राम है जिसमें क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम डेट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स। एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करवाना है। स्वैप मतलब इंटरचेंज करवाना है कि लेट्स से हमारे पास ए में वैल्यू है 2 और बी में वैल्यू हमने रखी है 3। अब हमने इस प्रोग्राम में करना कुछ यूँ है कि बी की वैल्यू जो 3 है उसको ए में डाल लें और जो ए की वैल्यू 2 है उसको हमने बी में डालना है, उसको स्वैप, इस चीज़ को कहते हैं स्वैपिंग करना। तो हमने स्वैप करना है। यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले तीन वेरिएबल लिए गए हैं, यहाँ पर तीन वेरिएबल लिए गए हैं, कौन कौन से, ए वेरिएबल है जिसमें 2 है, बी वेरिएबल है जिसमें 3 है और तीसरा वेरिएबल है टेम्प के नाम से जिसमें कुछ भी नहीं रखा गया। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर प्रिंट एफ के जरिए आउटपुट में दिखाया गया है वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग। स्वैप करने से पहले जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ये हैं। प्रिंट एफ के जरिए ए की वैल्यू को बता दिया गया है यहाँ पर, फिर बी की वैल्यू को भी यहाँ पर बता दिया गया है, फिर न्यू लाइन इंसर्ट कर दी गई है, फिर उसके बाद स्वैपिंग की गई है। स्वैपिंग करने के बाद आउटपुट में दिखाया गया ये किस तरह से, जिस तरह यहाँ पर आउटपुट भी आप देख सकते हैं। आउटपुट में आपको दिखाई देगा पहले ये वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। अब वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप करने के बाद वैल्यूज़, बी की वैल्यू ए में चली गई है, ए की वैल्यू 3 हो गई है और यहाँ पर ए की वैल्यू बी में चली गई है जो कि बी की वैल्यू 2 हो गई है। अब इसे मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। उसके लिए एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू प्रोग्राम फाइल, नहीं जी सोर्स फाइल मैंने न्यू क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, लेकिन जी बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है सी प्रोग्राम का। अब हमने करना क्या है, पहले इसको सेव कर लेते हैं, फिर हम बकायदा इसकी मेन फंक्शन की कोडिंग शुरू करते हैं। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, स्वैप नाम का फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि आप स्वैपिंग कर रहे हैं तो आप स्वैपिंग रख लें, स्वैपिंग डॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ जी प्रोग्राम 4.c। एक्सटेंशन बस आपने क्या रखनी है, सी रखनी है। डॉट सी का मतलब ये है कि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। डॉट जो है ये दरअसल ये बताता है कि इधर ये एक्सटेंशन है और इधर ये प्रोग्राम फाइल का नेम है। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी, यहाँ पर हम तीन वेरिएबल एक ले लेते हैं आसानी से, इंटीजर टाइप। ए वेरिएबल ले लिया, आप कोई किसी भी नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं, जिस तरह से आप डाटा 1 ले लें। यहाँ पर चलें जी मैं ए वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं रख देता हूँ जी 5। दूसरा वेरिएबल लेना है तो कॉमा डालना पड़ेगा। अब दूसरे वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ बी और इसमें मैं इंसर्ट करवा देता हूँ 2। अब मैंने तीसरा वेरिएबल भी लेना है लेकिन उसमें मैंने कुछ नहीं रखना, तो टेम्प नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने रखा है TEMP, लेकिन इन्होंने ई रखा है, मैंने ई नहीं रखना। ई भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम वेरिएबल का नाम ही रखें जो उन्होंने रखा है। चलें जी मैं TMP रख लेता हूँ। अब यहाँ पर आउटपुट में पहले शो करवा देते हैं कि स्वैप करने से पहले जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो ये हैं। तो आउटपुट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं जी वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से जो पहले जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है ये हैं। चलें न्यू लाइन भी इंसर्ट कर लेते हैं, इसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, इससे जो आउटपुट में है वो न्यू लाइन पर आ जाएगा। चलें इसे कंपाइलर रन करके चेक करते हैं क्या आता है, वो पहले चेक कर लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पर आ रहा है जी वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग और यहाँ पर एक न्यू लाइन आ रही है बैक स्लैश एन की वजह से। चलें जी अब हमने ए और बी की वैल्यू को भी प्रिंट कर लेते हैं। ए की वैल्यू शो करवानी है तो यहाँ पर परसेंट डी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ए नाम का जो वेरिएबल है ये वाला,
इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर टाइप के जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमारे पास, परसेंट डी। तो ए नाम का यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ए की वैल्यू अब यहाँ पर शो हो जाएगी। ये तो आउटपुट के अंदर आना ही आना है, कन्फर्म है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड बी की वैल्यू, ये है परसेंट डी। परसेंट डी से हम बी की वैल्यू यहाँ पर शो करवा देंगे, ये आ गया जी परसेंट डी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू शो होगी, यहाँ पर कॉमा देंगे बी। अब इस बी की वैल्यू दरअसल यहाँ पर शो होगी, क्लियर हो गया जी। हम पर एंड पर सेमी कॉलन लगाते हैं, इसको कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। लें जी यहाँ पर आ रहा है जी वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, ये आउटपुट में आ रहा है, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये आउटपुट में भी आ रहा है जी ए इज़ इक्वल। अब यहाँ पर परसेंट डी की जगह पर इस ए की वैल्यू शो हो रही है, और एंड यहाँ पर आ रहा है जी बी, और बी इज़ इक्वल, और यहाँ परसेंट डी की जगह पर बी की वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पर टू है। क्लियर हो गया जी, यही वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो हमने असाइन किए हैं वेरिएबल्स में। अब हमने ए में टू लाना है और बी के अंदर फाइव लेकर आना है। वो कैसे कि पहले इसको ज़रा समझिएगा। कि ये जो वेरिएबल है ना ए, ये दरअसल हमारे पास इस तरह से समझ लें कि एक बॉक्स है जो क्रिएट हो चुका है। बी नाम के वेरिएबल का भी एक बॉक्स बन चुका है, और इसी तरह से टेम्प नाम के एक वेरिएबल का भी बॉक्स बन चुका है। अब इनके नाम भी मैं रख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी, यहाँ पर टेम्प। अब ए में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर हमने इंसर्ट करवाई फाइव। यहाँ पर बी में कौन सी वैल्यू है, टू, और टेम्प के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को ना, इस ए की वैल्यू को हम ले जाते हैं टेम्प के अंदर, और बी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, और टेम्प की वैल्यू इसमें डाल देंगे। होगा कैसे, देखिए हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ए की वैल्यू तो हम डालते हैं टेम्प के अंदर। लें जी यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई टेम्प के अंदर, क्या है जी यहाँ पर फाइव। अब टेम्प के अंदर क्या है, फाइव, मतलब कि ए की वैल्यू हमने डाल दी टेम्प में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्प कि इस वेरिएबल में किसकी वैल्यू चली जाए, ए की असाइन की, किसकी वैल्यू, ए कि अब ये जो ए की, जो ए वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, ये वाली ए वेरिएबल की वैल्यू किस में चली जाए, इस वेरिएबल में। तो ए की वैल्यू है फाइव, फाइव चला गया किसके अंदर, टेम्प में। अब ये जो फाइव है ये टेम्प में चला गया, क्लियर हो गया जी। अब आप माइंड में ये कंसिडर करके चलें कि यहाँ पर ये खाली हो चुका है, दरअसल खाली नहीं हुआ अभी, लेकिन आप ये कंसिडर करके चलें कि ये हमारे पास खाली हो गया, कि हमने ए की वैल्यू किस में डाल दी है, टेम्प के अंदर डाल दी हुई है। क्लियर है ना, यहाँ पर ए की वैल्यू किस में चली गई, टेम्प में चली गई फाइव, और ए हमारे पास क्या है, अब खाली है, दरअसल खाली नहीं है, इधर अभी भी फाइव मौजूद है, लेकिन आप ये कंसिडर करके चलेंगे ये खाली हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि बी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, अब ए, क्योंकि हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि ए अब खाली हो चुका है, क्योंकि ये फाइव किस में चला गया है, इस वेरिएबल में चला गया है। तो ए यहाँ पर बराबर है बी के, अब बी की वैल्यू चली गई है ए के अंदर, बी की वैल्यू क्या है, टू, टू किस में चला गया है, ए में। यहाँ से टू, ये टू उठ के यहाँ से यहाँ चला गया है, और टू यहाँ पर ये जो है बी वाला वेरिएबल, ये क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। ये देखें दरअसल ये खाली नहीं हुआ, ये इधर बी अभी टू मौजूद है, लेकिन आप ये कंसिडर करके चलें कि ये जो बी की वैल्यू थी हमने ये किस में डाल दी है, ए नाम के वेरिएबल में डाल दी है। अब हमने करना क्या है कि ये जो टेम्प में वैल्यू रखी हुई है फाइव, इसको डाल देना बी के अंदर। अब देखें इस टेम्प की जो वैल्यू है, टेम्प के अंदर क्या है, फाइव, फाइव किस में चला गया, बी के अंदर। इसको रेस कर दिया मैंने, लेकिन अभी भी इसके अंदर फाइव है, तो किस में चला गया, इसमें चला गया जी।
इसमें भी वैल्यू साइन हुई है, इसमें भी 5 है, लेकिन 5 ये कंसिडर करके चलेंगे, इसकी जो टेम्प की वैल्यू है ना 5, ये किस में चली गई, बी में चली गई, ये जिस तरह यहाँ पर बी में 5 आ गया। क्लियर हो गया जी। आप देखें ए में कौन सी वैल्यू है 2 और बी में कौन सी वैल्यू है 5, जबकि हमने ए के अंदर 5 रखी थी, बी के अंदर 2 थी, तो अब बिल्कुल अपोजिट हो चुकी हैं कि ए के अंदर 5 की बजाय 2 है और बी के अंदर 2 की बजाय 5 है, कि हमने इस तीसरे वेरिएबल के ज़रिए इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, स्वैप करवा दिया। अब हम आउटपुट में शो करवाते हैं कि वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू अब शो करवा देते हैं। नहीं जी, इसे कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखें जी आउटपुट में वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, वैल्यूज़ को स्वैप करने से पहले ए में 5 है और बी में 2 है। वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग करने के बाद वैल्यूज़, ए में अब क्या है जी 2 है, पहले 5 था और अब 2 है, और बी में 2 है, पहले 2 था और अब 5 है। इसको भी न्यू लाइन पर ले जाते हैं, तो ऐसा करते हैं जी यहाँ पर लिख देते हैं न्यू लाइन, कि ये शुरू हो न्यू लाइन से, जब भी ये आउटपुट में आएगा ना वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, तो इसको आने से पहले एक न्यू लाइन ऐड कर दी जाए। चलिए इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देखें जी, ये देखें अब ये न्यू लाइन पर ही आ रहा है। पहले वैल्यूज़ जो स्वैप करने से पहले थी वो थी ए में 5 बी में 2, स्वैप करने के बाद ए में 2 आ गया और बी में 5 आ गया। क्लियर हो गया ना, स्वैप का मतलब ये इंटरचेंज होता है। अब इसकी वैल्यू इसमें बी में आ गई है और बी की वैल्यू इधर इसमें ए में आ गई है। आई होप कि क्लियर होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम है, इसमें से MCQs तो मुश्किल ही है, लेकिन प्रोग्राम आ सकता है एग्ज़ाम में, इसको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी क्लियर होगा और आपको इस प्रोग्राम के बारे में भी क्लियर होगा कि किस तरह से दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम एक थर्ड वेरिएबल के ज़रिए किस तरह स्वैप करवा सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।